हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निहारिका और ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे सारे कंसीलर्स। पर ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है अबाउट कंसीलर्स, क्योंकि मेरे पास कुछ कंसीलर्स हैं जिनके शेड मुझे सही नहीं लगते हैं। तो जब तक तो मेरे पास सही शेड नहीं होगा, बताना मुश्किल होगा कि वो अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि कंसीलर में शेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। तो लॉकडाउन है, मैं कंसीलर सही से सही शेड मंगा नहीं सकती हूँ, तब तो मैं उन्हें चेक करके बता नहीं सकती हूँ। बिना वो किए काइंड ऑफ यू नो ऐसा वीडियो करना बेकार है। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा अंडर आई एरिया काफ़ी ड्राई हो रहा है क्योंकि मौसम काइंड ऑफ चेंज हुआ है, सबकी स्किन के साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होने लगी हैं। तो क्योंकि ड्राई हो रहा है तो इवन वो कंसीलर जो कि बहुत अच्छे से मेरी स्किन के साथ वर्क करता था, वो भी अभी काम नहीं कर रहा उतने अच्छे से। तो इसलिए इस टाइम पे कंपैरिजन वीडियो का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता अभी क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो यहाँ पे मैं सिर्फ शेयर करूँगी मेरे कंसीलर, मेरे पास जो भी कंसीलर्स हैं उन्हें आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो जो सबसे पहला कंसीलर है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ वो है ब्लू हेवन का कंसीलर। इसका मैंने फिलहाल में रिव्यू किया था, ये 150 रुपीज़ का है, 16 ml। सब कुछ काफ़ी अच्छा है, चार शेड में आता है, पर फॉर्मूला बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये चीज़ मैंने अपने रिव्यू में भी कही थी, ये रहा मेरा ब्लू हेवन का कंसीलर। सो ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया क्योंकि काइंड ऑफ ये ड्राई होने पे, एक तो ड्राई है, जब आप इसको ब्लेंड करते हो काफ़ी पैची रहता है, प्लस ये चिप फॉर्म में निकल भी आता है। सो यस, नेक्स्ट कंसीलर जो मेरे खुद की वैनिटी में है वो है बेटर माइल का कंसीलर इन द शेड लाइट मीडियम। ये आप देख सकते हैं, पहली चीज़ ये कंसीलर काफ़ी हद तक बेटर है। अगर मैं एक डार्क सर्कल्स के हिसाब से बोलूँ तो मुझे कंसीलर ज़्यादा मैं इसे प्रेफर करती हूँ देन मेबेलिन के कंसीलर से, क्योंकि इसमें वैसा थिकनेस भी है, ये ड्राई नहीं करता, पर ये थिक कंसीलर है तो आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। और अगर आप अच्छे से कलर करेक्ट और ये सब चीज़ें करके यू नो पूरा फॉलो अप करते हुए अगर इसे अप्लाई करोगे तो काइंड ऑफ ये आपके डार्क सर्कल्स को काफ़ी हद तक हाइड करता है। और पहली चीज़ है जो इसका शेड है लाइट मीडियम, वो काफ़ी हद तक मेरी स्किन में मैच हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है तो ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में। नेक्स्ट जो मेरे पास कंसीलर है ये है मेबेलिन का फिट मी कंसीलर, मैंने इसका भी रिव्यू किया है। मेरे पास यहाँ पे जो शेड है वो है सैंड। अगर मैं इस शेड की बात करूँ तो ये शेड सही है, काइंड ऑफ लाइट मीडियम स्किन टोन के लिए सही है। दिक्कत इसके फॉर्मूले के साथ है, काफ़ी उतना थिक फॉर्मूला नहीं कि आपके डार्क सर्कल्स को कवर कर सके, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्मूला है। जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनको कवर करने के आपको फॉर्मूला थोड़ा बीच का चाहिए, यानी एकदम ड्राइंग भी ना हो, एकदम लिक्विड भी ना हो, यू नो थोड़ा सा हैवी थिक पर सुपर थिक भी नहीं, मतलब कुछ बीच का होना चाहिए कि वो आपकी जब डार्क सर्कल्स पे आप उसे ब्लेंड करें तो काइंड ऑफ वो एज अ लेयर वहीं पे टिका रहे, हटे ना। तो ये काफ़ी डायल्यूटेड है, उस केस में आप इसे बाकी एरिया पे अपने फेस पे आराम से यूज कर सकते हैं, उस हिसाब से बेस्ट है। ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है क्योंकि इतना हैवी नहीं है, काइंड ऑफ हाइड्रेटिंग है, पर यस डार्क सर्कल्स के लिए इनफ नहीं है। एंड बात मेबेलिन की हुई है तो ऑब्वियसली एज रिवाइंड की भी होगी। ये मेरा यहाँ पे जो शेड है वो ये भी सैंड है। मुझे एक तो शेड में प्रॉब्लम लगती है इसका, ये शेड मैं थोड़ा लाइटर चाहती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा, क्योंकि आपको ये एरिया ब्राइट अप भी करना है, यू नो ब्राइट अप भी करना है, और ये फॉर्मूला थिक भी है तो इस थिक फॉर्मूला के बाद फिर से कुछ अप्लाई करना बहुत ज़्यादा केकीनेस हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं कर सकते। मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए, पर इससे जो लाइटर शेड है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। पहली चीज़ मुझे ना इसका एप्लीकेटर नहीं पसंद, लाइक आप स्पंज से लगाते हो तो मुझे लगता है जब मैं कोई चीज़ स्पंज ऐसे रब कर रही हूँ अपने एरिया में तो काइंड ऑफ जो ऑलरेडी मैंने
करेक्टर अप्लाई किया है, हल्का सा जो लेयर अप्लाई की वो ऑलरेडी हट रही है, इसकी वजह से काइंड ऑफ डार्क सर्कल्स और ज्यादा विजिबल हो जाते हैं, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैं इसे नहीं यूज करती हूँ। नेक्स्ट जो है, मैंने 50 बार हजारों बार आपको बोला है कि मेरा फेवरेट कंसीलर, जब भी कोई मुझसे पूछता है, ये है स्विस ब्यूटी के कंसीलर्स, और मेरे पास यहाँ शेड है शेड 2 एंड शेड 3, मैं ये दोनों ही शेड यूज करती हूँ, और अगर आप फेयर टू लाइट मीडियम के बीच में है तो आप ये शेड ही यूज करिए 3 एंड 2। जो 2 है वो लाइटेस्ट शेड है स्विस ब्यूटी के, जितने भी इनके शेड आते हैं, आई थिंक 8 to 9 शेड्स हैं, इनका भी रिव्यू किया है पर मुझे याद नहीं। जो शेड 2 है ये लाइटेस्ट है और ये काफ़ी अच्छा रहता है काइंड ऑफ ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए, आप अपनी नोज पे इन एरियाज पे यूज़ कर सकते हैं, और फेयर स्किन के लिए ऑब्वियसली यही इकलौता शेड है। मेरा जो एक्चुअल शेड है वो है 03, इसमें लिखा है लाइट मोइन, आप लाइट मीडियम समझिए। काइंड ऑफ इसका जो शेड रेंज है वो आप कह सकते हो जो सैंड शेड आते हैं इन सब में मेबलिन के, उससे मैच करता है, पर इसका फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से ये स्प्रेड होता है और हटता नहीं है एकदम, और आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता है, और फॉर्मूला भी थिक है कि अच्छे से सब कुछ कवर कर लेता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, लाइट भी है थिक भी है और कवरेज भी आपको काइंड ऑफ फुल देता है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है। इवन मेरे पास इसके एक्स्ट्रा भी रखे हुए हैं, मैंने स्टॉक अप कर रखा है कहीं ख़त्म ना हो जाए मुझे बाद में ना मिले तो, इसलिए तो मेरा जो सेफेस्ट चॉइस रहती है ना, कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरे को अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करना है, तो मैं यही दोनों उठाती हूँ, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन, और ये हमेशा काम करते हैं। सो जो नेक्स्ट कंसीलर है वो है मेरे पास एले गर्ल के प्रो कंसील HD कंसीलर्स। मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे एक पिक डाला था जिसमें मैंने आपको सारे जितने भी मेरे पास एले गर्ल के कंसीलर हैं उन सभी के स्वॉचेस दिखाए थे, आपने देखा ही होगा कि मेरे पास काफ़ी सारे 7-8 ऐसे कंसीलर्स हैं। मेरे पास करेक्टर्स जो कलर करेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं इनमें, एक्चुअली में तो मैं एज इन कंसीलर्स को अपने अंडर आई में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि काइंड ऑफ थोड़े से मुझे ड्राइंग लगते हैं, मेरा ये एरिया थोड़ा सा काफ़ी ड्राई हो जाता है, मुझे ब्लेंड करने में भी दिक्कत होती है, इसलिए मैं इन्हें यूज़ नहीं करती हूँ अपने अंडर आई एरिया पे। कभी कभी यूज़ करती हूँ, कभी कभी डिपेंड करता है, वरना यूजली अवॉइड करती हूँ, थोड़ा सा ड्राइंग है तो ये है। वैसे मैं इन्हीं का जो पीच करेक्टर है वो हमेशा यूज़ करती हूँ, जो मैंने हज़ार बार दिखाया आपको, पर हाँ कंसीलर नहीं यूज़ करती हूँ इतना। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है NYX का HD स्टूडियो फोटोजेनिक कंसीलर करेक्टर। ये जो NYX का है ये सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, आपको 300 रुपीज़ का ही कंसीलर मिल जाएगा। यहाँ पे जो मेरे पास शेड है ये CW10 है, एक्चुअली ये येल्लो करेक्टर है आप कह सकते हैं। सो मैंने ये येलो करेक्टर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा येलो करेक्टर की ज़रूरत थी अपना ब्राइटन अप करने की, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी शीयर काफ़ी लाइट फॉर्मूला है, काफ़ी शीयर लाइट हाइड्रेटिंग फॉर्मूला, आप देख सकते हैं ये उतना थिक नहीं है, सो ये बुरा नहीं है, अच्छा है। डार्क सर्कल्स नहीं हाइड कर सकता क्योंकि फॉर्मूला काफ़ी थिन है, लेकिन उसके अलावा आप फेस में इसे यूज़ कर सकते हो काइंड ऑफ अपने फेस को थोड़ा सा यू नो ब्राइटन अप इफेक्ट देने के लिए। नेक्स्ट जो कंसीलर मेरे पास हैं वो रिसेंटली लॉन्च हुए थे, ये हैं पैक के टेक कवर कंसीलर्स। ये काइंड ऑफ कंसीलर का कंपैरिजन आपका हुआ था एले गर्ल के कंसीलर की तरह, क्योंकि इनका प्राइस है सिर्फ 400 और एले गर्ल के थोड़े से महंगे आते हैं, आई थिंक 500-600 आई डोंट रिमेम्बर, पर ये आपके काफ़ी बजट फ्रेंडली 400 रुपीज में आपके कंसीलर आते हैं, और इनका बहुत कंपैरिजन हुआ था एले गर्ल से। तो मैंने यहाँ पे दो शेड लिए क्योंकि पहले मैंने जो क्रेम बफ मंगाया वो मुझे काफ़ी लाइट लगा, थोड़ा सा येलो अंडरटोन आप देख सकते हो, थोड़ा सा वियर्ड येलो अंडरटोन है इसका, तो ये काइंड ऑफ मेरे अंडर आई पे बहुत ही वियर्ड येलोनेस दे रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और डार्कर शेड लिया, स्टार्क न्यूड शेड, और ये कुछ ऐसा है काइंड ऑफ, ये मेरी स्किन टोन से ज़्यादा मैच करता हुआ है, मुझे ये उतने पसंद नहीं आए, मुझे
मैंने दो बार ट्राई किया, मैंने जब जब किया मुझे इन्होंने काइंड ऑफ ड्राई पैच दिया, मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो गई जब भी मैंने इन्हें अप्लाई किया, बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं और ड्राई अप होने पे इवन ब्लेंडेबिलिटी भी इनकी कम हो जाती है, मतलब जहाँ पे काइंड ऑफ घेरा सा बन के रह जाता है उतने अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होते आपकी स्किन में। मैं अभी इनके बारे में कह नहीं सकती हूँ, पर फिलहाल के लिए मुझे उतना खास नहीं। एंड नेक्स्ट जो कंसीलर वो अगेन पैक के हैं, ये है पैक के स्पॉटलाइट कंसीलर्स और यहाँ पे मेरे पास शेड है 09 मेलन एंड 03 सैंड। ये फुल कवरेज है, ये काफ़ी थिक, मतलब काफ़ी थिक नहीं, अच्छी खासी ब्लेंडेबिलिटी वाले थिक कंसीलर हैं, इनमें अच्छा खासा ब्लेंडेबिलिटी होता है। आप अप्लाई करिए, ऐसा नहीं कि तुरंत ड्राई हो जाएंगे, आप इनको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होते हैं। इनकी जो फिनिश है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस रहती है। सो दीज आर वेरी गुड If you have dark circles और आप मुझसे पूछते हो कि कौन सा काम करता है, अगर आप इसमें सही शेड ला पाए तो ये आपके बहुत काम आएगा। जो नेक्स्ट है ये काइंड ऑफ मेरे फेवरेट है, उन्हें मैंने आज अप्लाई किया है। ये है NYX के कांट स्टॉप वोंट स्टॉप कंसीलर। ये काफ़ी अंडररेटेड हो गए हैं, वैसे ये काफ़ी अच्छे कंसीलर हैं, इवन मैंने वीडियो पे किया था तो किसी ने देखा भी नहीं, आई डोंट नो वाई, बल्कि मैंने कहा था दीज आर द बेस्ट कंसीलर्स। ये महंगे हैं, 800 रुपीस के हैं, पर ये काम करते हैं, तो मुझे ये दोनों काफ़ी पसंद है। इनकी फिनिश बहुत अच्छी है, थिक है, एक तो एप्लीकेटर बहुत अच्छा एप्लीकेटर इनका, ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट स्किन फिनिश ब्लेंडेबिलिटी है, एकदम लगता है स्किन की है आपकी, मतलब एकदम पैचिनेस कुछ भी नहीं है, बहुत ही लाइट हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है और बहुत अच्छा है। ये है फुल कवरेज। सो बहुत से लोग पूछते हैं, तो अगेन दीज आर माई फेवरेट। एंड इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं अपने लास्ट कंसीलर पर। जो मेरे पास लास्ट कंसीलर यहाँ पे है डिफरेंट ब्रांड का, वो मैंने रिसेंटली परचेज किया था और ये मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था। ये है मिलानी का कंसीलर। यस, मिलानी कंसीलर काफ़ी अच्छा है। ने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर को देखा होगा, वो इसे प्रेफर करते हैं। सो मैंने लिया, पर मैंने काइंड ऑफ गलत शेड में लिया। दिस इज 125 लाइट नेचुरल एंड दिस इज सो लाइट फॉर मी। आप देख सकते हैं ये लाइटेस्ट कंसीलर है जितने कंसीलर मैंने यहाँ पे दिखा है, और ये बिल्कुल ही वाइट, फेयर वाइट स्किन टोन वाला शेड है, और मैं उतनी फेयर वाइट नहीं हूँ, तो काइंड ऑफ ये शेड बहुत ज़्यादा लाइट है। इसके साथ वर्कआउट करना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं कहीं भी लगाऊंगी मेरी स्किन डार्क और एशी लगेगी। तो मुझे चाहिए था इसमें 135 शेड, जो कि मैं सोच रही थी लेने का, पर अब मैं मेरी बाद में लूँ, चेक करूँ। पर ये शेड तो मत लीजिएगा, लाइट नेचुरल लिखा है पर वो इंडियन लाइट नेचुरल के लिए नहीं है, और इसी वजह से मुझे पता भी नहीं कैसा काम करता है, तो इसलिए मैंने मतलब मुझे नहीं इसका आइडिया है। ये अच्छा है मैंने सुना है, पर फ़ायदा नहीं, मैंने लगाया वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था बिकॉज ऑफ द शेड। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं अबाउट कंसीलर्स, सो आप में भी आपको जो सही लगा होगा आप अपने विशेष में डाल सकते हैं और बाद में मंगा सकते हैं। एंड या दिस इज द वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।